बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे गार्डनिंग में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुफीद और अहम चीज़ लाया हूँ जिसका नाम है लेम्बू। लेम्बू का दरख्त जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे घर में है और इसमें मैंने ये जो लेम्बू रखे हैं ये कम से कम 4-5 महीनों से इसमें लगे हुए हैं। अभी आप सोचेंगे कि सर्दियों में ये क्यों नहीं गिरे, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा तरकीब किया था। वो तरकीब ये था कि एक तो इसके ऊपर जो है ना छत है, जो ऊपर बरामदा है उसका छत है, और इसके अलावा इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक भी डाला था, तो इसकी वजह से ये सर्दी और जो होती है हवाएं वो उससे बिल्कुल सेफ था। तो इसीलिए इस अब तक मतलब है कि अभी जो आज का 5वां रमज़ान है, अब तक इसने मेरे लिए काफ़ी लेम्बू बचाए हैं। आजकल लेम्बू की किलो चल रही है कम से कम 500 तक और 450 तक चल रही है पाकिस्तान में। तो अभी इससे मैंने कल 3 किलो की लेम्बू मैंने इससे इकट्ठा किया है, अब भी इसमें बहुत से लेम्बू हैं। तो मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में भी लेम्बू हो तो आप इस तरह करें कि आप इसके सर्दियों में इसके ऊपर प्लास्टिक या कोई कवर डाला करें। अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर के जो हैं सारे पके हैं, कोई एक दाना भी ख़राब इसमें नहीं है। इसके अलावा ये बहुत मीठे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ जो कि थोड़ी नेगेटिव है, वो ये है कि इसमें जो खट्टापन होता है वो थोड़ा कम होता है, इसमें मीठापन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल पक गए हैं और इसकी जो और प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जस्ट इसकी जो मीठापन है वो ज़्यादा है और कड़वापन और खट्टापन ये थोड़ा कम है। तो ये बहुत अच्छे साइज़ के हैं और मैं भी इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं खुद ही इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा है। और इंशाल्लाह ये उम्मीद है रब से कि ये हमारे लिए सारे रमज़ान के रोज़े निकाले। मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी किए हैं, मैंने अपने अजीज़ और गरीबों को और इधर जितने उसमें मैंने भी 2-2 पाव इस तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा चीज़ है। घर में नेक्स्ट टाइम अगर आपकी लेम्बू है तो आपने उसके ऊपर प्लास्टिक डालना है, और प्लास्टिक के साथ साथ आपने इसका भरपूर ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने रमज़ान में कोई लेम्बू नहीं लेना है, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही प्यारे लेम्बू हैं। तो ये हो गई लेम्बू की कोई खसूसियात और कोई एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी गार्डनिंग पसंद है तो आप इस तरह करें कि मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपने ये वीडियो दिलचस्प और दिल से देखी होगी और ये आपके लिए दिलचस्प साबित हुई होगी। शुक्रिया। वस्सलाम।